नीलगाय के 12 किलो कच्चे मांस सहित एक आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र धर्मपुर में वन्य प्राणी के शिकार के संबंध में मुखबिर के माध्यम से सूचना के आधार पर प्रभारी रेंजर मनोज सिंह बघेल के द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। कार्रवाई के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर SDO विश्रामगंज दिनेश सिंह गौर के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी रेंजर मनोज सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा मुखबिर के बताए उग्र ग्राम हरदी के एक घर में दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति नीलगाय का कच्चा मांस फेंकता हुआ देखा गया, जिसे टीम ने द्वारा घेराबंदी करके दबोचा गया। उसके कब्जे से 12 किलो नीलगाय का कच्चा मांस बरामद कर हिरासत में लिया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद वन परिक्षेत्र कार्यालय धर्मपुर लाया गया है, जहां पूछताछ जारी है। आरोपी का नाम लतीफ खान निवासी हरदी बताया जा रहा है। आरोपी ने बताया कि उसने स्वयं नीलगाय का शिकार नहीं किया, बल्कि उसे उसके दोस्त उसे मांस पकाने के लिए दिया था, लेकिन पकाने से पहले ही फॉरेस्ट टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी रेंजर मनोज सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं, सभी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर सूचना के आधार पर हमने पूरे स्टाफ सहित हरदी गाँव में एक घर में दबिश दी, तो वह लतीफ खान करके व्यक्ति हमको मांस लेकर फेंकने में दिखाई दिए। उनको हम लोग घेराबंदी करके पकड़ ली और उनकी गिरफ्तारी की है। मांस के लिए बता रहे हैं कि नीलगाय का मांस है, उसमें अब तस्दीक चल रही है। जो कोई आरोपी होंगे तो उनको जोड़ा जाएगा।